हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब गाइस? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने सैमसंग गैलेक्सी A10 को रूट कर सकते हैं। आपने बस स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो को फॉलो करें, आप बहुत आसानी के साथ अपने मोबाइल फ़ोन को रूट कर लेंगे। तो सबसे पहले गाइस, रूट के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन को वाईफाई के साथ कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आप सेटिंग में आ जाएं, नीचे आएं, अबाउट में चले जाएं, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में चले जाएं, बुलेट नंबर को 5 बार तेज़ी तेज़ से टैप करें, फिर बैक आ जाएं, फिर से बैक आएं और नीचे एक और ऑप्शन आ जाएगा, डेवलपर ऑप्शन। इसको ओपन करें, ये OEM अनलॉकिंग यहाँ पर शो होगी। अगर आपकी ये शो नहीं हो रही तो आप वाईफाई को कनेक्ट करें, ऑटोमेटिक टाइम एंड डेट को अनचेक करके सारा कुछ क्लोज करके वापस आएंगे तो ये शो होगी। अगर फिर भी नहीं होती तो थोड़ा सा वेट करें, ये थोड़ी देर में खुद ही आ जाएगा ऑप्शन। नीचे आएँ, USB डिबगिंग, इसको भी ऑन कर लें। इसको भी ऑन करने के बाद एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, आपने अपना मोबाइल डाटा इसमें से निकाल लेना है, क्योंकि इस प्रोसेस में आपके मोबाइल फ़ोन का जो डाटा है वो लॉस हो सकता है। तो ज़रूरी डाटा अगर आपका है तो वो निकाल लें। तो मोबाइल फ़ोन को पावर ऑफ़ कर देते हैं। पावर ऑफ़ करने के बाद वॉल्यूम अप एंड डाउन दोनों बटन्स को प्रेस करके USB केबल को इंसर्ट कर लेना है। USB केबल आपकी लैपटॉप के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएंगे, इसमें हमें वॉल्यूम अप के बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है, ठीक है, इस तरह से। तो अब हमारे पास ये बूट लोडर अनलॉक का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब हमें बूट लोडर को अनलॉक करना है, तो ये नीचे लिखा है यस वॉल्यूम अप, तो आप बूट लोडर को अनलॉक करें। तो मैं वॉल्यूम अप को दबाता हूँ तो ये बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा। तो पावर बटन दबा के कंटिन्यू करता हूँ तो इस फ़ोन का जो बूट लोडर है वो अनलॉक हो चुका है। तो डाटा लॉस होने के चांस हैं, जैसे ये मोबाइल फ़ोन, इस मोबाइल फ़ोन का डाटा लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं मोबाइल फ़ोन के ऑन होने का। तो गाइस, जैसे ही आपका मोबाइल फ़ोन ऑन होगा, मोबाइल फ़ोन की सेटिंग कर लेनी है। गाइस, मोबाइल फ़ोन की सेटिंग करने के बाद मोबाइल को वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लेना है। वाईफाई के साथ कनेक्ट करने के बाद सेटिंग में आना है, अबाउट में आना है, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाना है, बुलेट नंबर को तेज़ी तेज़ से 5 बार टैप कर लेना है, बैक आना है, फिर से बैक आना है और डेवलपर ऑप्शन में चले जाना है। और यहाँ पर OEM अनलॉक जो है वो शो नहीं हो रहा, तो बैक आएंगे, सर्च में जाएंगे, यहाँ पर टाइम एंड डेट लिखकर सर्च करेंगे, ये आ गया ऑटोमेटिक टाइम एंड डेट। इसको ओपन करेंगे, ऑटोमेटिक टाइम एंड डेट को अनचेक कर देंगे और अपना टाइम एक बार सेट कर लेंगे, सारा कुछ रिमूव कर देंगे। दोबारा से ऊपर से स्लाइड करके सेटिंग में आएंगे, नीचे आ जाएंगे, डेवलपर ऑप्शन में आएंगे, अभी भी शो नहीं हो रहा, सो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। तो एक मिनट बाद ये मोबाइल फ़ोन जो है OEM अनलॉकिंग जो है शो हो रही है और ये ऑन है। और स्लाइड करके नीचे आते हैं, USB डिबगिंग है, इसको भी ऑन कर लेते हैं और मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कर लेते हैं अपने लैपटॉप के साथ, इसको अलाउ कर देते हैं। तो अब हम आ जाएंगे लैपटॉप में। तो अब हमें इस मोबाइल फ़ोन की फ़्लैश फाइल डाउनलोड करनी है। किस तरह से करनी है? सबसे पहले आपने अपने मोबाइल फ़ोन के मॉडल नंबर को चेक करना है। सेटिंग में आ जाएं, अबाउट में चले जाएं, ये देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल फ़ोन का जो मॉडल नंबर है A105FN शो हो रहा है। आपका F हो सकता है, T भी हो सकता है, V भी हो सकता है, S भी हो सकता है, स्पेलिंग कोई भी आ सकते हैं आपके। मेरे FN आ रहे हैं, सो मैं गूगल में पहले मॉडल नंबर लिखता हूँ और FN लिख के फ्लैश फाइल सैम मोबाइल लिख देता हूँ। तो ये गूगल हमें सीधा सीधा सैम मोबाइल की वेबसाइट के ऊपर ले आएगा। तो ये वेबसाइट इसकी डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। तो अब अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारी फ्लैश फाइल यहाँ मिल जाती हैं।
तो ये इधर से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, अपने अकाउंट बना सकते हैं, फ्री अकाउंट बना सकते हैं और किसी भी सैमसंग फ़ोन की फ्लैश फाइल यहाँ से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत सारी फ्लैश फाइल हमें मिलती हैं, तो अब हमें वो फाइल ढूँढनी है जो हमारे मोबाइल फ़ोन के साथ मैच कर जाए। तो ये मैच करने वाला जो तरीका है उसमें आपको क्या करना है, मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में आके अबाउट में जाएं, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में चले जाएं, तो यहाँ आपको बेसबैंड वर्जन शो हो रहा है। इसमें आप देखें A105FN XXS3, आपका यहाँ U3 भी हो सकता है और इसके अलावा आपका U1 हो सकता है, U2 हो सकता है, या S2 हो सकता है, ठीक है। एस या यू में कोई स्पेलिंग आएगा और आगे नंबर आएगा, ठीक है। ये दो जो डिजिट्स हैं ये आपने नोट कर लेने हैं, ठीक है। अब हम वापस लैपटॉप में आते हैं, तो अब लाइक ये फ्लैश फाइल हमें सामने मिल गई, इसके भी ये सेम डिजिट जो हैं मैच हो रहे हैं, ये यू और एस दोनों एक दूसरे के साथ मैच हो जाती हैं। फ्लैश फाइल आप यू की भी कर सकते हैं और एस की भी कर सकते हैं, ये आपने मैच करके डाउनलोड करना है। लाइक अगर आपका U2 है, नीचे आ जाएं तो U2 यहाँ पर नहीं है फ्लैश फाइल, तो आप U3 के साथ भी इसको फ्लैश कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी बैटरी अपडेट हो जाएगी, तो अपडेट हो सकती है बैटरी लेकिन डाउनग्रेड नहीं हो सकती। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फ्यूचर में अगर इस मोबाइल फ़ोन की कोई अपडेट्स आती हैं तो वो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो S3 है लाइक ये वाली, इसके साथ S3 लिखा हुआ है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अगर आपका S1 या S2 है या U1 U2 है तो आप S3 की उसको लगा सकते हैं फाइल, वो कंपेटेबल फाइल होगी। इसको ओपन करते हैं, लॉगिन कर लेना है अकाउंट आपने यहाँ से, वेट एंड डाउनलोड पे जाना है। ये मैं इसकी वेबसाइट जो है ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सैम मोबाइल की। वेट एंड डाउनलोड में जाएं तो ये यहाँ पर कुछ सेकंड्स हमें वेट करना है तो फाइल हमारी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से फ्री आप फाइल को डाउनलोड कर लें, मैंने एक डाउनलोड करके रखी है, ये रही। तो अगर ये विन ड्रॉ की फाइल है, जब आप इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगी। इसके अंदर आपको ये फाइल्स मिलेंगी, या फिर सिर्फ आपको एक फाइल एपी की मिलेगी, या फिर इसमें BLCP और CSC की भी फाइल होगी। अगर ये फाइल है या नहीं है इसको इग्नोर कर दें, क्योंकि ये फाइल हमारे अभी किसी काम की नहीं है। उसके अलावा मैं मजिस्क AP के है जो, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक ओडिन को डाउनलोड कर लेना है, ये फ्लैशिंग के दौरान काम आता है ये सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये तीनों आपने डाउनलोड कर लेने हैं, तीनों की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये डाउनलोड करने के बाद आपने मजिस्क को कॉपी करना है और दिस PC में जाना है, और ये मेरा मोबाइल फ़ोन मेरे लैपटॉप के साथ कनेक्ट है, तो मैं अपने मोबाइल फ़ोन को ओपन करता हूँ, फ़ोन में जाता हूँ, डाउनलोड्स में जाकर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके सो अब मैं ये जो फ्लैश फाइल जो हमने एक्सट्रैक्ट की थी ये वाली, इसको ओपन करता हूँ। इसके अंदर ये जो AP की फ़ाइल होगी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये थोड़ी सी हैवी फाइल है तो टाइम ले रही है। तो गैस जैसे ही आप कॉपी कर लेंगे अपने मोबाइल फ़ोन में फ्लैश फाइल को, तो अब आपने यहाँ माई फाइल्स में चले जाना है, इंटरनल स्टोरेज में जाना है और डाउनलोड्स में चले जाना है। ये दोनों फाइल जो हमने कॉपी की है ये यहाँ पर आ गई। तो हम इसमें पहले मजिस्क को इंस्टॉल कर लेते हैं। मजिस्क को ओपन करें, सेटिंग में जाएं, अलाउ कर दें इसको, अननोन सोर्सेज को बैक आ जाएं, इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करें, वाईफाई आपका कनेक्ट होना चाहिए। तो अब यहाँ इंस्टॉल पे जाते हैं, इंस्टॉल सेलेक्ट पैच एंड फाइल पे चलते हैं, अलाउ कर देते हैं इसे, और ये रीसेंट के यहाँ पर तीन डॉट्स हैं, यहाँ जाते हैं, डाउनलोड्स में चले जाते हैं। तो ये AP की फाइल हमें यहाँ मिल जाती है, हम इसे सिलेक्ट करेंगे और ऊपर से हम स्लाइड करके देखेंगे तो ये मजिस्क जो है ये यहाँ डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही ये मजिस्क डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये फ्लैशिंग होनी स्टार्ट हो गई है।
तो ये 2-3 मिनट लेगा यहाँ पर फ्लैशिंग में, तो तब तक हाँ मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ। तो गाइस जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, ऊपर से इसे सेव कर देते हैं, और सेव करने के बाद वापस आ जाते हैं लैपटॉप में। लैपटॉप में हम अपने मोबाइल फ़ोन को ओपन करते हैं और सेम उसी लोकेशन पे चलते हैं डाउनलोड्स में, जहाँ हमने ये फ़ाइल पेस्ट की थी। और इसने हमें एक ये नई फ़ाइल बना कर दे दी, पैच मजिस्क पैच्ड। तो हम इस फाइल को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर इसी फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देते हैं फाइल को। फाइल को पेस्ट करने के बाद हम बैक आते हैं और ओडिन को ओपन कर लेते हैं। ओडिन ये ऐप है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओके करते हैं, एपी पे चले जाते हैं। और ये पैच फाइल जो हमने बना कर रखी है, इसको हम यहाँ पर एपी पर अटैच कर देते हैं। अटैच करने के बाद मोबाइल फ़ोन में आते हैं, मोबाइल फ़ोन को पावर ऑफ कर देते हैं और यूएसबी केबल को अनप्लग कर देते हैं यहाँ। तो अब हम वॉल्यूम अप एंड डाउन दोनों को प्रेस करेंगे और यूएसबी केबल को इंसर्ट कर देंगे। ये करने के बाद हम वॉल्यूम आपके बटन को दबाकर इस तरह से डाउनलोड मोड में चले जाएंगे। जैसे ही हम डाउनलोड मोड में चले जाएंगे, अपने लैपटॉप में आ जाएं, यहाँ ऑप्शन में आएंगे। जैसे ही ऑप्शन में आएंगे, ऑटो रिबूट को अनचेक कर देंगे, ठीक है, ये लाजमी करना है। तो अनचेक करने के बाद अब हम यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करके फ्लैशिंग को स्टार्ट कर देते हैं इस तरह से। तो आप देख सकते हैं फ्लैशिंग जो है वो हमारे फ़ोन की स्टार्ट हो गई है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो हम वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमारी फ्लैशिंग कंप्लीट हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, मोबाइल फ़ोन को यूएसबी केबल निकाल लेंगे मोबाइल फ़ोन से। और अब मैं वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन दोनों एक साथ प्रेस करूँगा, ठीक है। और जैसे ही मेरा मोबाइल फ़ोन ऑफ हो जाएगा, तो मैं वॉल्यूम अप एंड पावर बटन को प्रेस करूंगा। और जैसे ही बूट लोडर लोगों से होकर मेरा मोबाइल गुजरेगा, तो मैं ये पावर बटन जो है ये छोड़ दूंगा, लेकिन वॉल्यूम अप बटन को नहीं छोड़ूंगा। सो हो सकता है कि मैं भी यहाँ पर गलती कर दूं, और ये गौर से आपने ये प्रोसेस देखना है कि मैं यहाँ क्या करता हूँ। सो रेडी, तो ये आ गया फ़ोन रिकवरी मोड में। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम डाउन को प्रेस करके नीचे आएंगे, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट पे जाएंगे, और ये पावर बटन को दबाकर इसको सेलेक्ट करेंगे, नीचे आएंगे और वॉल्यूम डाउन से नीचे आ जाएंगे इस तरह से। तो फिर से हम पावर बटन को प्रेस करके इसे यस कर देंगे, तो ये हमारा मोबाइल जो है एक बार रीसेट हो जाएगा। तो अब मैं वॉल्यूम अप बटन पावर बटन को दबाकर इसे कर देता हूँ ओके रिबूट। तो ये फ़ोन जो है हमारा रिबूट हो जाएगा। तो अब ये वॉल्यूम पावर बटन दबाकर मैं कंटिन्यू करता हूँ, तो ये ऑप्शन आ जाएगा, ये बूट लोडर जब हम अनलॉक करते हैं तो ये तब आता है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं इसे ऑन। तो गाइस जैसे ही फ़ोन ऑन हो जाएगा, इसकी सेटिंग कर लेते हैं। अब हम मोबाइल फ़ोन में वाईफाई को कनेक्ट कर लेते हैं। वाईफाई को कनेक्ट करने के बाद नीचे आ जाते हैं अबाउट में, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाएंगे, बुलेट नंबर को 5 बार टैप करेंगे तेज़ तेज़ से, बैक आ जाएंगे, बैक आ जाएंगे, नीचे डेवलपर ऑप्शन में चले जाएंगे, और OEM अनलॉक जो है वो शो नहीं हो रहा। सो बैक आएंगे, मोबाइल फ़ोन को साइलेंट पे लगा देते हैं, सर्च में जाएंगे, यहाँ पर टाइम एंड डेट लिखेंगे,
ये आ गया ऑटोमेटिक टाइम एंड डेट, इसको अनचेक कर देंगे और डेट को एक बार सेट कर लेंगे और सारा कुछ रिमूव कर देंगे। दोबारा से हम सेटिंग में जाएंगे, नीचे आ जाएंगे डेवलपर ऑप्शन में, तो अभी भी नहीं हो रहा, हम एक बार फिर से रिमूव करते हैं और 1 मिनट तक वेट करते हैं। तो थोड़ी देर में ये अब दोबारा चेक करेंगे तो OEM अनलॉकिंग आ जाएगी। तो नीचे आएंगे, USB डिबगिंग को भी ऑन कर लेते हैं, बैक आ जाते हैं। तो अब हम लैपटॉप में वापस आते हैं, तो दोबारा से अब हम ये जो मजिस्क APK है इसको हम कॉपी करके अपने मोबाइल फ़ोन में पेस्ट कर लेते हैं, डाउनलोड्स में पेस्ट करने के बाद अब हम यहाँ जाते हैं माई फाइल्स में, स्टोरेज में, डाउनलोड्स में जहाँ हमने पेस्ट की थी, और इसको अब हम इंस्टॉल कर लेते हैं। सेटिंग में जाकर इसको अलाउ कर दें, बैक आ जाएं और इंस्टॉल कर लें इसे। तो गाइस मजिस्को इंस्टॉल करने के बाद अब मोबाइल फ़ोन को पावर ऑफ कर दें। तो यहाँ पर हमें एक ट्रिक करनी है, छोटी सी जो फाइनल ट्रिक होगी। मैं वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन को प्रेस करके यहाँ पर इसे ऑन करूँगा, ठीक है? बस इतना सा आपने काम करना है, और जैसे ही ये ऑन होगा तो आपका मोबाइल फ़ोन रूट हो चुका होगा। अभी इसको ऑन होने देते हैं। तो अब हम जिसको ओपन करते हैं और आप देख सकते हैं मजिस्क इंस्टॉल हो चुकी है। एडिशनल सेटिंग इसकी इंस्टॉल कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। जैसे ही ये इंस्टॉल होगा तो ये एक बार रिबूट होगा मोबाइल फ़ोन। तो अब हम जिसको ओपन करते हैं और गैस देख सकते हैं हमारा जो रूट है वो पूरी तरह से हो चुका है। और आप मॉडल नंबर भी चेक कर सकते हैं गैस, यहाँ पर A10 है, 9 वर्जन है। सेम इसी मेथड से आप 10 वर्जन को भी रूट कर सकते हैं और रूट हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो गैस ये थी फिर हमारी रूट की वीडियो, हमने A10 को रूट किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं मुझसे। और इसी के साथ फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।